नमस्कार, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 10 के विज्ञान जो चैप्टर 4, जो चैप्टर का नाम कार्बन एवं इसके यौगिक के एकदम मोस्ट आईएमपी प्रश्न आज का जो हेडिंग है, हर साल के पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता है, साबुन के जो स्वच्छीकरण अभिक्रिया है जरूर परीक्षा में पूछता है, या उसका नाम बदल देगा, मिसेल कह देगा। तो मिसेल या साबुन का स्वच्छीकरण अभिक्रिया क्या है? तो मैल जो होते हैं तैली होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जो जल विरागी, इसके पहले वाली वीडियो में जब देखिएगा तो जल विरागी बताया गया है, जल विरागी के बारे में बता दिए हैं कि जल विरागी क्या है और जल रागी क्या है। अब यहाँ देखिए, जो मैल जो होते हैं तैली होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जो जल विरागी सिरा होता है वह तेल में घुल जाता है, और जल रागी जो होते हैं सिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इसे मिसेल संरचना बन जाती है, जिससे इस कौन संरचना बनेगा, तब मिसेल संरचना बन जाती है। अब साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो साबुन का मिसेल होता है मैल को पानी में घुलाने का मदद करता है और कपड़े साफ हो जाता है। यही साबुन का स्वच्छीकरण अभिक्रिया है। बहुत आसान है, बस इसको दो बार इसको लिख करके दो बार पढ़ दें, दिमाग में बैठ जाएगा मिसेल क्या है और साबुन का स्वच्छीकरण अभिक्रिया क्या है। यहाँ थोड़ा सा एक साबुनीकरण का जो है स्वच्छ जो है स्वच्छीकरण जो है अभिक्रिया में इसको फिगर बना लेंगे। यहाँ बताया गया है कि साबुन के जो मैल होते हैं यहाँ पर, इसको कैसे कैसे आपका स्वच्छीकरण अभिक्रिया हो रहा है, इसको अपने कॉपी में नोट करके दो बार बना लेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला जो है अपमार्जक की विशेषता। अब अपमार्जक जो डिटर्जेंट है उसकी विशेषता क्या है? तो अपमार्जक डिटर्जेंट की विशेषताएं जो है निम्न हैं। पहला जो है, यह कठोर तथा मृद जल के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं, माने दोनों में, कठोर जल में भी और मृद जल में भी इसका प्रयोग किया जाता है अपमार्जक का। अपमार्जक किसे कहते हैं, इसके बैक वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें अच्छे से समझा दिया गया है अपमार्जक, साबुन, साबुनीकरण, साबुन कैसे बनता है, साबुन कितने प्रकार के होते हैं, सब बता दिया गया है। अच्छे से वीडियो को तैयार रखिए, वीडियो को देख करके अपने कॉपी में नोट करिए, इसमें अच्छे से अच्छे प्रश्नों को बताया गया है। अब यहाँ दूसरा जो है, यह तेल रहित होते हैं। तेल रहित मतलब इसमें तेल नहीं होते हैं, अपमार्जक में तेल नहीं होते हैं, सरफ जो है डिटर्जेंट पाउडर इसको बोला जाता है। तीसरा जो है, इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है उदासीन होता है। चौथा, यह साबुन की तरह कपड़े को सफाई में काम करता है, जैसे साबुन कपड़े को साफ करता है तो ऐसे डिटर्जेंट पाउडर भी कपड़े को साफ करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि अपमार्जक डिटर्जेंट की विशेषताएँ क्या हैं। अब अगला जो टॉपिक है, पावर एल्कोहल क्या है? वे एल्कोहल जिसमें 80% एथिल एल्कोहल तथा 20% पेट्रोल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। पावर एल्कोहल मैंने किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे 80% जो होता है एथिल एल्कोहल होता है और 20% पेट्रोल होता है, उसी को पावर एल्कोहल कहते हैं। इसका प्रयोग जो है आंतरिक दहन इंजन में ईंधन में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है, परिशुद्ध या परम एल्कोहल, परिशुद्ध या परम एल्कोहल किसे कहते हैं? तो उसके ऊपर वाले जो पावर एल्कोहल समझ में आ गया होगा, तो इसको पावर एल्कोहल में क्या है, 80% एथिल एल्कोहल होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे परिशुद्ध एल्कोहल जो है या परम एल्कोहल क्या है, तो वे एल्कोहल जिसमें 99.5 से लेकर 100% शुद्ध एल्कोहल होते हैं। यहाँ पर परम एल्कोहल का मतलब है, समझिए, शुद्ध एल्कोहल है,
99.5 से लेकर 100% के बीच में जो हैं शुद्ध एल्कोहल होते हैं उसे परिशुद्ध या परम एल्कोहल कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है विलायक के रूप में किया जाता है। तो परिशुद्ध या परम एल्कोहल समझ में आ गया होगा कि इसमें जो शुद्ध एल्कोहल की मात्रा कितनी होती हैं, तो 99.5 से 100% तक होती हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। अगला जो है मेथिलित या विकृतकृत स्प्रिट। मेथिलित जो है स्प्रिट क्या है, तो परिशोधित स्प्रिट जिसमें मेथिल एल्कोहल, पिरिडीन, पेट्रोलियम, नेफ्ता आदि विषैले पदार्थ मिले होते हैं। इसमें क्या क्या मिला होता है, तो एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल, पिरिडीन, पेट्रोलियम, नेफ्ता, नेफथा आदि विषैले पदार्थ मिले होते हैं, मेथिलित या विकृतकृत स्प्रिट कहा जाता है। विकृतिकृत स्प्रिट कहा जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो विलायक के रूप में होता है। अगला जो है परिशोषित स्प्रिट किसे कहते हैं, परिशोषित स्प्रिट क्या है, जिसमें 95% एल्कोहल, 5% जल के मिश्रण को परिशोषित स्प्रिट कहते हैं। परिशोषित स्प्रिट में क्या होता है, 95% एल्कोहल होता है और 5% जल को मिश्रण कर देते हैं, उसी को परिशोषित स्प्रिट कहते हैं। अगला जो है स्प्रिट तथा शराब में अंतर। स्प्रिट तथा शराब में क्या अंतर है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यदि एल्कोहली पेय पदार्थ आसुत है, माने पीने वाला जो पदार्थ अगर आसुत है उसे स्प्रिट कहते हैं। देखिए यदि एल्कोहली जो पेय पदार्थ हैं आसुत हैं तो उसे स्प्रिट कहते हैं, यदि एल्कोहली पेय पदार्थ आसुत नहीं है उसे शराब कहते हैं। कितना आसान है, बस यहाँ पे आसुत है और यहाँ पर आसुत नहीं है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए। नमस्कार।